एक बार की बात है, एक बुजुर्ग महिला की मृत्यु हो गई। यमराज उसे लेने आए। महिला ने यमराज से पूछा, आप मुझे स्वर्ग लेके जाएंगे या नर्क? यमराज बोले, दोनों में से कहीं नहीं। तुमने इस जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें सीधा प्रभु के धाम लेकर जा रहा हूँ। बुजुर्ग महिला खुश हो गई और बोली, धन्यवाद, पर मेरी आपसे एक विनती है। मैंने धरती पर सबसे स्वर्ग नर्क के बारे में बहुत सुना है, मैं एक बार इन दोनों जगहों को देखना चाहती हूँ। यमराज बोले, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी करता हूँ। चलो हम स्वर्ग नर्क के रास्ते से होते हुए प्रभु के धाम चलेंगे। दोनों चल पड़े। सबसे पहले नर्क आया। नर्क में बुजुर्ग महिला ने जोर जोर से रोने की आवाजें सुनी। नर्क में सभी लोग दुबले पतले और बीमार दिखाई दे रहे थे। महिला ने एक आदमी से पूछा, यहाँ आप सबकी हालत ऐसी क्यों है? आदमी बोला, तो कैसी हालत होगी, मरने के बाद जब से यहाँ आए हैं हमने एक दिन का खाना भी नहीं खाया, भूख से हमारी आत्माएं तड़प रही हैं। बुजुर्ग महिला की नजर एक विशाल पतीले पे पड़ी, जो कि लोगों के कद से करीब 300 फुट ऊंचा होगा। उस पतीले के ऊपर एक विशाल चम्मच लटका हुआ था। उस पतीले में से बहुत ही शानदार खुशबू आ रही थी। बुजुर्ग महिला ने उस आदमी से पूछा, इस पतीले में क्या है? आदमी मायूस होकर बोला, ये पतीला बहुत ही स्वादिष्ट खीर से हर समय भरा रहता है। बुजुर्ग महिला ने हैरानी से पूछा, इसमें खीर है तो आप लोग पेट भरकर खीर खाते क्यों नहीं? भूख से क्यों तड़प रहे हैं? आदमी रो रो कर बोलने लगा, कैसे खाएं? ये पतीला 300 फीट ऊंचा है, हम में से कोई भी उस पतीले तक नहीं पहुंच पाता। बुजुर्ग महिला को उन पर तरस आ गया और सोचने लगी, बेचारे खीर का पतीला होते हुए भी भूख से बेहाल हैं, शायद ईश्वर ने इन्हें यही दंड दिया होगा। यमराज बुजुर्ग महिला से बोले, चलो हमें देर हो रही है। दोनों चल पड़े। कुछ दूर चलने पर स्वर्ग आया। वहाँ स्वर्ग में बुजुर्ग महिला को सबके हंसने खिलखिलाने की आवाज सुनाई दी। सब लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। उनको खुश देखकर बुजुर्ग महिला भी बहुत खुश हो गई। पर वहाँ स्वर्ग में भी बुजुर्ग महिला की नजर वैसे ही 300 फीट ऊंचे पतीले पे पड़ी जैसा नर्क में था। उस पर भी वैसा ही चम्मच लटका हुआ था। बुजुर्ग महिला ने वहाँ लोगों से पूछा, इस पतीले में क्या है? स्वर्ग के लोग बोले, इस पतीले में बहुत स्वादिष्ट खीर है। बुजुर्ग महिला हैरान हो गई। उनसे बोली, पर ये पतीला तो 300 फीट ऊंचा है, आप लोग इस पतीले तक तो पहुंच ही नहीं पाते होंगे, उस हिसाब से आप लोगों को खाना मिलता ही नहीं होगा, आप लोग भूख से बेहाल होंगे, पर मुझे तो आप सभी लोग इतने खुश लग रहे हो, ऐसा कैसे? आगे की कहानी जानने से पहले, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और आपको ऐसी वीडियोस देखना बहुत ज्यादा पसंद है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं, ताकि हम ऐसे और वीडियो डालें तो वीडियो सबसे पहले आपके तक पहुंच पाए। ऐसे कई सारे वीडियोस हमारे दिन लाते रहते हैं, इसलिए सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। अगर ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और साथ ही कमेंट बॉक्स में इस वीडियो को लेकर आप अपना विचार भी लिख सकते हैं। ऐसे कई सारे वीडियोस हमारे चैनल के अंदर भरे हैं, आप उन्हें जाके भी देख सकते हैं। लोग बोले, हम सभी लोग तो इस पतीले में से पेट भरकर खीर खाते हैं। बूढ़ी महिला बोली, पर कैसे? पतीला तो बहुत ऊंचा है। लोग बोले, तो क्या हो गया पतीला ऊंचा है तो? यहाँ पर कितने सारे पेड़ हैं, ईश्वर ने सारे पेड़ पौधे नदी झरने हम मनुष्यों के उपयोग के लिए तो बनाए हैं। हमने पेड़ों की लकड़ी ली, उनको काटा, फिर लकड़ियों के टुकड़ों को जोड़कर एक विशाल सीढ़ी का निर्माण किया। उसी लकड़ी की सीढ़ी के सहारे हम पतीले तक पहुँचते हैं और सब मिलकर खीर का आनंद लेते हैं। बुजुर्ग महिला यमराज की तरफ देखने लगी। यमराज मुस्काए बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नर्क मनुष्यों के हाथों में ही सौंप रखा है, चाहे तो अपने लिए नर्क बना ले, चाहे तो अपने लिए स्वर्ग। ईश्वर ने सबको एक समान हालातों में डाला है, उसके लिए उसके सभी बच्चे एक समान है, वो किसी में भेदभाव नहीं करते। वह नर्क में भी पेड़ पौधे सब थे, पर वो लोग खुद ही आलसी हैं, उन्हें खीर हाथों में चाहिए, वो कोई कर्म नहीं करना चाहते, कोई मेहनत नहीं करना चाहते, इसलिए वह सब भूख से बेहाल हैं। यही तो ईश्वर की बनाई इस दुनिया का नियम है, जो कर्म करेगा मेहनत करेगा उसी को ही मीठा फल खाने को मिलेगा, अर्थात स्वर्ग एवं नर्क आपके हाथ में ही है। मेहनत करें, अच्छे कर्म करें और अपने जीवन को स्वर्ग बनाएं।